आपको दिखाई दे रहा है यहाँ में होंडा जनरेटर है, होंडा जनरेटर ईपी 1000 ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका मेन ये की पूरा लॉक है, पूरा जाम है ये की। अभी हम इसका खोल के देखेंगे मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों मतलब क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों की लॉक हो जा रहा है, ये क्यों मतलब ये की लॉक हो जा रहा है। अभी पूरा खोल के देखेंगे इसका। अभी हम दुकान बंद किए हुए थे, लेकिन कस्टमर का कहना है कि थोड़ा जल्दी है, इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी देख देने के लिए। इसके वजह से अभी हम इसको खोल के चेक कर रहे हैं, खोल के देख रहे हैं। अभी हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये की को खोलेंगे, ये की को कवर खोलेंगे। यहाँ में सबसे पहले हम इसका तीन ठो नॉट रहता है, ये तीनों नॉट को आराम से खोल लेंगे। दो ठो ऊपर में और एक ठो नीचे में है, ये तीनों नॉट को आराम से खोल के उसके बाद हम इसका देख रहे हैं। इसका किक जो है यहाँ से ठीक है, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेन इसका ये लॉक हुआ है, ये लॉक हुआ है। तो अभी हम इसका खोल के देखेंगे क्यों लॉक हुआ है वो। उससे पहले हम इसका ये कवर, यहाँ का ये कवर और पीछे का कवर, ये सबको खोल लेंगे, टंकी ये सबको खोल के निकाल लेंगे। यहाँ में चार ठो नॉट होता है, ये चारों नॉट को आराम से खोल लेंगे। अगर आप नया काम कर रहे हैं, नया मतलब अभी आप सीख रहे हैं या कुछ भी नया वीडियो देख के बना रहे हैं, तो इसका कोशिश कीजिए कि जो नॉट जहाँ से खोल रहे हैं वहाँ में फंसा के रख देने के लिए। जैसे हम आपको ये खोल के उसके बाद हम फंसा के दिखा रहे हैं कैसे इसको फंसा के रखेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये खोल लिए तो हम ये नॉट यहाँ का खुला है तो यहाँ में फंसा देंगे। जहाँ से जो नॉट खोले हुए हैं वो नॉट वहाँ में फंसा देंगे। यहाँ से चार ठो नॉट खोले, यहाँ में चार ठो नॉट, आप फंसाएंगे ऐसे तो आपको आराम होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन ये जो आप बनाने के बाद फिटिंग करने में ये सब करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीन ठो नॉट खोले हुए हैं, ये तीन ठो नॉट खोले हुए हैं तो यहाँ में इसको भी फंसा देंगे, इसको भी फंसा के रखेंगे। ये सब नॉट को, एयर फिल्टर के नॉट को सबको खोल लेंगे। होंडा EP 1000 है, ये होंडा EP 1000 जनरेटर है, सिर्फ पेट्रोल से चलने वाला है ये। यहाँ में ये चार ठो नॉट है, ये चारों नॉट को यहाँ फंसा के रखेंगे। डैशबोर्ड के इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, डैशबोर्ड के नीचे दो ठो नॉट लगा रहता है यहाँ में, ये कवर का, इसको भी खोल के निकाल लेंगे। आपको दिखाई दे रहा है आराम से खुल गया, ये कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना पड़े मेरे इसके साथ में। कोई कोई नॉट होता है जो ज़बरदस्ती खोलना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारा नॉट आराम से खुल जाता है जिसमें मामर लगा रहता है या टेढ़ा नॉट फंसा रहता है, वो सब ज़बरदस्ती करना पड़ता है। ये टंकी में चार ठो नॉट लगा रहता है, ये आपको दिखाई दे रहा है चार ठो नॉट है, ये टंकी का जो तेल का पाइप है, इसको आराम से निकाल लेंगे। ये बहुत मतलब कमज़ोर होता है, टूट जाता है, पट से टूट जाता है, तो इसको हम आराम से स्क्रू ड्राइवर के मदद से निकालेंगे। और निकालेंगे तो यहाँ का तेल कंटिन्यू गिरेगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये तेल कंटिन्यू गिर रहा है, तो इसको हम हाथ से बंद कर देंगे। हाथ से बंद करके उसके बाद हम इसको टेढ़ा करके निकाल लेंगे और ये कंटिन्यू गिरेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ में एक ठो 10 नंबर का नॉट बोल्टू फंसा के रख देंगे। ऐसे नॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉट यहाँ में फंसा के रख देंगे, मेरा तेल गिरेगा नहीं। ये दिखाई दे रहा है आपको, अब मेरा तेल नहीं गिरेगा।
आप जब भी कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए, ऐसे आराम होता है। जो ये कोवर ये सब है, कोवर सब साइलेंसर का कोवर, ये सबको आराम से खोल के निकाल लेंगे। आराम से खुल जाता है, इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता है। अंदर अंदर में नट रहता है ये सबको, आप कोशिश कीजिएगा तो आराम से खुलेगा, ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा ये सबके साथ में। देख रहे हैं आराम से खुल जाए। यहाँ मैं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में इसका मोबिल ये सब पूरा लीकेज है, ये गैस्केट ही सब चेक करना होगा, गैस्केट ये सबसे लीकेज हो रहा है, ये पूरा मोबिल लीकेज हो रहा है, ये सबको चेक करके लगाना होगा। कोई भी नट हो आपका, कोई भी नट हो, अगर आप उसको तरीका से खोलिएगा, जो मतलब टाइट करने का तरीका है और खोलने का तरीका है उस तरीका से खोलिएगा, कुछ स्लिप नहीं होगा, नहीं टाइट मतलब नहीं टूटेगा, एकदम आराम से खुल जाएगा। ये जो नट है, ये जो कोवर है, ये कोवर में एक तो अंदर में नट लगा रहता है, आप लोग ये नट को ध्यान से खोलिएगा। बहुत सारे आदमी ध्यान लगा के ये वाला नट को नहीं खोलते हैं, लेकिन ये नट को अंदर में नट होता है, आप ध्यान दीजिए, ये नट को ध्यान लगा के खोलिएगा। यहाँ ये कोवर मेरा आराम से निकल गया, यहाँ से ये कोवर का नट को आराम से खोल लेंगे। यहाँ में भी एक तो नॉट है और नीचे में भी एक तो नॉट होगा। ये नॉट को भी खोल लिया और यहाँ में भी एक तो नॉट है, इसको भी खोलेंगे। यहाँ में तीन तो मेरा नॉट ये कोवर का है, ये तीनों नॉट को हम फटा के रखेंगे जहाँ से खोल रहे हैं। ये कोवर खोल के निकालने के बाद मेरा साइलेंसर का जो नॉट है वो आराम से यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ से एकदम आराम से खुल जाएगा मेरा नॉट। ये नॉट को आराम से खोल लेंगे। यहाँ ध्यान लगा के खोलिएगा, आप लोग जब भी खोलते हैं अंदर में नॉट बहुत सारा रहता है, अंदर में ध्यान लगा के खोलिए। ये प्लास के मदद से इसको निकाल लेंगे, उसके बाद मेरा ये साइलेंसर आराम से निकल जाएगा, दिखाई दे रहा है एकदम आराम से निकल गया मेरा, ये कोवर भी निकल गया। हम उसके बाद हम ये कार्बेटर का जो है, ये कार्बेटर का नॉट को आराम से खोल के निकाल लेंगे और कार्बेटर को खोल के निकाल लेंगे। यहाँ में इसको भी खोल के निकाल लेंगे, हम खुल जाएगा, कुछ इसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं होगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, एकदम आराम से निकल गया मेरा, आपको ये नॉट, ये इंजन को हमको निकालना है, ये इंजन निकालना है, तो ये नॉट सबको खोल लेंगे। ये नॉट सभी मेन टाइट रहता है, इंजन को पकड़ के रखता है, इसमें फ्रेम, इसका जो फ्रेम होता है, फ्रेम को इंजन को पकड़ के रखता है, ये नॉट पकड़ के रखता है इंजन, इंजन पकड़ो, अच्छा एकदम आराम से खुल जाता है ये नॉट सब। किसी के घर में है, अगर वो बनाना चाहता है, उसका कुछ ख़राब हो गया, वो बनाना चाहता है, तो मेरा वीडियो देख के आराम से बना सकते हैं। यहाँ मैं एकदम आसान बताते हैं, एकदम आसान मतलब कैसे आसान होगा काम करने में, उसको सीधा करो। इसको इंजन को एकदम आराम से हम निकाल लेंगे, आराम से निकालो, काम यहाँ हो रहा है उधर। यहाँ में पूरा कंप्लीट सेट मेरा इंजन का ये निकल गया है। अब हम इसका अंदर में देखेंगे, अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों मतलब मेरा इंजन घूमने में इतना ये हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, इंजन घूम नहीं रहा था, वो सब अभी हम खोल के देखेंगे इसको।
ये स्प्रिंग सबको निकाल लेंगे, स्प्रिंग सब आराम से निकल जाता है। उसके बाद मेरा ये जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से खोल लेंगे, खोल के आराम से निकाल लेंगे। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है ये डैशबोर्ड इसमें लगा हुआ है ये। अभी हम इसको खोलेंगे, ये कवर को खोलेंगे, इसका मेन कॉइल ये सब है, ये सब को निकालेंगे अभी खोल के। इधर आ, यहाँ चार ठो लंबा लंबा नॉट बोल्ट रहता है, लंबा रहता है चार ठो नॉट, ये नॉट को आराम से हम खोल लेंगे। यहाँ में लंबा लंबा नॉट रहता है ये, लंबा लंबा नॉट होता है। अब इसको हम प्लास्टिक के मार्कर के मदद से निकालेंगे। हम इसको खोलेंगे, इसको हम खोलेंगे तो ये दोनों साइड मेरा नाचेगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, नहीं खोल पा रहे हैं ऐसे। तो हम इसको कैसे खोलेंगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ में देखिए अभी हम इसको एकदम आराम से खोल लेंगे, मोटा वाला स्क्रू ड्राइवर, कोई भी एक्सेल या स्क्रू ड्राइवर लगा के उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखा जरा आपको खुल गया, मेरा निकल गया, लेकिन ये निकलने के बाद मेरा ये नहीं निकलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं निकलेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं।
ये फूल यहाँ में दिखाई दे रहा आपको, यहाँ में ये सब निकल गया मेरा आराम से। हाँ मेरा एकदम आराम से निकल गया। आप लोग भी जब भी खोल रहे हैं तो ऐसे कोशिश कीजिए। ये लॉक हुआ मेरा, ये लॉक यहाँ चुंबक में फंसा के रखेंगे, नहीं यहाँ में फंसा के रखेंगे, यहाँ में ये नॉट को फंसा के रखेंगे। एकदम आराम से निकल जाता है ये सब। ये सबको अच्छा से निकालिए। यहाँ में ये पतला वाशर होता है, ये गिरे नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गिरे नहीं यहाँ से। ये रॉड जो है, ये रॉड को आराम से निकाल के इसको रखिए। इसका मेन टाइमिंग का काम यही करता है ये रॉड जो है। ये इसको भी एकदम आराम से निकाल, ये हार्ड हो रहा है, ये हार्ड हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो एकदम आराम से ये मेरा फ्री हो जाएगा। ये मेरा फ्री हो गया, निकाल लेंगे। ये फ्री हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्री हो गया। उसके बाद हम इसको आराम से निकाल लेंगे। ये एकदम आराम से निकल जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है मेरा। ये जो आपको टाइमिंग का दिखाए थे, ये रॉड यहाँ में रहता है टाइमिंग का, इसको भी निकाल लेंगे एकदम आराम से। दिखा हटा दो। यहाँ अंदर में दो ठो नॉट रहता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों नॉट को खोल लेंगे। और यहाँ बाहर में दो ठो नॉट रहता है, ये दो ठो नॉट को खोल लेंगे, ये मेरा हेड बाहर निकल जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, ये एकदम मेरा आराम से निकल गया। ये मेरा हेड है, यहाँ में बेल्व ये सब रहता है, चार ठो नट रहता है इसमें। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चार ठो नट रहता है, ये हेड आराम से निकल जाता है। ये एकदम मेरा आराम से निकल गया ये सामान सब। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा जनरेटर EP 1000 का इंजन हुआ, ये मेरा फुल इंजन हुआ जनरेटर EP 1000 का। अभी हम इसको पूरा खोलेंगे, इसको पूरा खोल के निकालेंगे।
यहाँ में ये मेरा नट सब खुल गया हुआ है, पूरा नट खुल गया हुआ है। अभी हम इसको ठोक के निकालेंगे, आराम आराम से ठोक के निकालेंगे प्लास्टिक के मारपुल से। दिखाई दे रहा है आपको एकदम आराम से मेरा ये पूरा खुल खुल गया। फोटो यहाँ मैं आपको जो दिखाए थे टाइमिंग पिनियन, यहाँ में ये पिनियन है, और करेंट में जो ये होता है मेन इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये ऑयल पंप का, ये टाइमिंग पिनियन का, यहाँ में ये करेंट का पिनियन देता है, ये कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग इसका अलग से खुल के निकलता है, जिसे हम अभी आपको खोल के दिखा रहे हैं। हमें एकदम आराम से खुल जाता है, यहाँ में एकदम आराम से ये खुल जाता है। यहाँ में दो ठो नॉट रहता है कनेक्टिंग में, 8 नंबर का नॉट रहता है। ये नॉट बहुत ज़रूरी होता है लगाना, नहीं लगाने से नहीं होता है। ये लंबा नॉट रहता है इतना मेन आपका, जो ये कनेक्टिंग में जो नॉट लगा रहता है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में एक ठो लंबा सा निकला हुआ है। इसका काम होता है आपका मोबिल छीटना, मोबिल पूरा मतलब इंजिन में फैलाना। एकदम आराम से निकल जाता है, ये दिखाई दे रहा है एकदम आराम से निकल गया है। बस ये हल्का सा सीज मारा हुआ है, यहाँ में दिखाई दे रहा है, यहाँ में हल्का ये सीज मारा हुआ है, हल्का सीज मारा हुआ है और कुछ नहीं है। और हम इसका कनेक्टिंग को निकालेंगे, ये दिखाई दे रहा है एकदम आराम से निकल गया है। यहाँ में होंडा ईपी 1000 का जनरेटर का पूरा फुल इंजन खोले हुए हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम मेरा आया है ये कनेक्टिंग का जो सीज मारा हुआ है हल्का, ये हल्का सीज मारा हुआ है। और उसके बाद मेरा यहाँ में इसका कुछ सामान होता है, यहाँ में बहुत सारा सामान नहीं होता है, मेन इसका सामान होता है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ में देखिए, ये वेल्व है, ये वेल्व टाइमिंग का जो काम करता है ये है, दो ठो होता है इसमें, ये दिखाई दे रहा है, ये दो ठो ये वेल्व टाइमिंग का काम करता है। उसके बाद ये आपका ये जो होता है ये गवर्नर होता है, गवर्नर जो आपका रेस को मिला के रखता है यहाँ में। और इसका जो है इसका काम होता है ये सेंसर, मोबिल सेंसर है, जो आपका मोबिल अगर कम हुआ इंजन में, मोबिल कम हुआ तो डायरेक्ट आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, गाड़ी ये जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, इसका काम करता है, ये सेंसर का काम करता है, बाकी और कुछ नहीं है। और यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में इसका ब्लॉक पिस्टन है, पिस्टन भी हल्का सीज मारा हुआ है। यहाँ में दिखाई दे रहा है ये पिस्टन है, हल्का ये सीज मारा हुआ है आपका, यहाँ में हल्का दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये हल्का सीज मारा हुआ है और कुछ नहीं है, बाकी सब इसका ठीक है। यहाँ में ये सब ठीक है, अंदर का सब ठीक है। ये यहाँ अंदर में भी हल्का मतलब एकदम माइनर सा सीज मारा हुआ है, मेन इसका जो लॉक हुआ है, इंजन लॉक हुआ है, वो कनेक्टिंग के वजह से हुआ है, ये कनेक्टिंग के वजह से हुआ है सीज। यहाँ मैं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये कनेक्टिंग के वजह से सीज हुआ है, मेन इसका जो ये होल होगा, ये दोनों होल ये जाम होगा, इसके वजह से ये सीज मारा है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें।